पाकिस्तान में जैसे तकवा ने बताया जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं इस वक्त, चाहे वो एजुकेशन के हवाले से हो, चाहे हमारे सोशल प्रोटेक्शन का एरिया है, हेल्थ के इश्यूज हैं, उसके अलावा क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीली की वजह से जो हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि हुकूमत सिंध अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन के मुताबिक, इसलिए कि वो सबसे नौजवान लीडर हैं हमारे मुल्क के, उनके विजन के मुताबिक हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप हुकूमत सिंध में देखेंगे, हमने कई कोशिश की है कि हम अपने इदारों में, ख़ास तौर पे वो इदारे, हमारे पास बड़ा स्ट्रॉन्ग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट है, हम यूथ को ला रहे हैं, उन लोगों को ला रहे हैं जो नई टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ हैं, और वहीं आप बच्चों का फ्यूचर है। इंशाल्लाह ताला हम कोशिश यही करेंगे कि हम आपके लिए एक बेहतर दुनिया, एक बेहतर मुल्क, एक बेहतर सूबा छोड़ के जाए, और फिर आगे फ्यूचर आप हैं तो आपने इंशाल्लाह ताला उसको लेके आगे चलना है। मैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से सिर्फ बता दूं कि आज से 2 साल पहले हमारे मुल्क में और ख़ास तौर पे सूबा सिंध में एक बहुत बड़ा कैटास्ट्रोफी आई थी, सैलाब आया था। उसके अंदर तकरीबन 1/3 बल्कि 2/3 के करीब हमारा सूबा पानी के अंदर था, और उसमें हमारे 30 लाख से ऊपर लोग बेघर हो गए, खानदान लोग नहीं, लोग तो तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर बेघर हो गए थे। हमारी 5.5 करोड़ की आबादी है, तो तकरीबन 20% हमारी आबादी का बेघर हो गए थे। उस वक्त हुकूमत सिंध ने ये फैसला किया कि हम ये घर दोबारा बनाएंगे अपने लोगों के लिए, और हमने ये तहिया किया कि ना सिर्फ हम बनाएंगे, बट अंग्रेज़ी में ये कहते हैं वील बिल्ड बैक बेटर, और वो हमने किया। वी डिड दैट, अल्लाह ताला का शुक्र है कि वी बिल्ड बैक बेटर, वी बिल्ड क्लाइमेट रेजिलिएंट हाउसेज, हमने जो माहौलियाती तब्दीली के हिसाब से वो घर बनाए कि इंशाल्लाह अगली, इसलिए कि माहौलियाती तब्दीली जल्दी जाने वाली नहीं है, इसकी हमने खुद ही क्रिएट की है। उसके लिए हमने ऐसे घर बनाए जो कि अल्लाह ना करे अगली दफ़ा कोई ऐसे इम्तिहान आए तो उसमें वो रेजिलिएंट रहें, अपनी जगह पे वो घर खड़े रहें। और उसमें फिर मैं ख़ास तौर पे यूनाइटेड नेशंस, अक़वाम मुत्तहिदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ, इसलिए शुरू हुआ था जब 2023 के शुरू में जनवरी जिनीवा में कॉन्फ्रेंस की थी अक़वाम मुत्तहिदा ने, पाकिस्तान के साथ कोहोस्ट की थी, और उस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने साथ मिलके ऐलान किया था। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमने, और इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि अगले हफ्ता या 10 दिन में एक उस पर बड़ा इवेंट भी करेंगे, लेकिन ये मैं इधर से ऐलान करना चाहता हूँ कि हमारा प्रोजेक्ट, वैसे तो जो कंसीव किया हुआ है वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है हाउसिंग का, जब वो इंशाल्लाह कंप्लीट होगा, और इंशाल्लाह अगले 1.5 साल के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा, ये 1,20,00,000 लोगों को घर मुहैया करेगा, अगेन क्लाइमेट रेजिलिएंट हाउसिंग। और उसमें मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि आधे से ज़्यादा बच्चे हैं, और अगर जो हमने घर बनाए हैं जिन लोगों के लिए, उन सबको इकट्ठा करके एक मुल्क बना दें, तो दुनिया के 154 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड
have a lesser population, तो अगर हम एक मुल्क कहते हैं इसको जो हमने घर बनाए तो ये इससे छोटे 154 ममालिक होते हैं। ये तो है इंशाल्लाह जब 20 लाख पूरे हो जाएंगे, लेकिन इस वक्त जैसे मैं बात कर रहा हूँ हम जो दुनिया का रिकॉर्ड है इस वक्त तक सबसे ज़्यादा 8 लाख और कुछ हज़ार घर थे जो नेपाल में जो जलजला आया था उसके बाद बनाए गए थे हुकूमत की तरफ से, वो हम क्रॉस कर चुके हैं और हमारा ये प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट हो गया है और इंशाल्लाह ताला ये कंटिन्यू रहेगा। और इसमें ख़ास तौर पे हमने यही ख्याल रखा है कि वो बच्चे जिनके घर से छत चली गई थी अपने माँ बाप के साथ, उनको जल्द से जल्द आबाद किया जाए। तो आज के दिन के हवाले से मैं और ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करूँगा, बिकॉज़ आई वांट टू कम हियर एंड एंजॉय, जैसे आप लोग बच्चे आई होप एंजॉय कर रहे हैं आज का ये इवेंट। मैं आपके साथ बैठ के थोड़ी देर इसको एंजॉय भी करूँगा।